अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। और सबसे बड़ा भटकाव क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमें क्या भटकाती है किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को, उसकी इंद्रियां। इंद्रियां ही होती है जो इंसान को भटकाती है। पांच इंद्रियां हमारी होती है, पांचों इंद्रियों में से कोई सी भी एक इंद्रिय काफी है हमें बर्बाद करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा और हम सब यहां पर इंद्रियों कई बार चक्कर में आ जाते हैं। कैसे इंद्रियों से बचे, कैसे भटकाओ नगर पर हम रुके ना, हम टॉप 1% जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन है, यहां पर हमें रुकना नहीं है। कैसे इंद्रियों को वश में करना होगा, और मैं नहीं बता रहा हूं, बता भले मैं रहा हूं, लेकिन ये शब्द है यूनिवर्स के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर भगवान श्री कृष्ण के। पहला श्लोक के इंद्रियाणाम विचरताम यन्मो अनुविधीयते तदस्य हतिं प्रज्ञां वायु वैमाम वसी। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन है पार्थ, जिस तरह पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियां मन को भटका देती है। और जब मन भटकता है तो बुद्धि भटक जाती है, और जब बुद्धि भटक जाती है तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम इंद्रियों को अपने वश में करो, तुम मन को अपने वश में करो, ना कि खुद इसके वश में हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से इंद्रियां मन को भटकाती है, मन से बुद्धि भटकती है, और बुद्धि से इंसान का सर्वनाश हो जाता है, अच्छे अच्छे इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। पहले श्लोक बताते हैं किस तरह इंद्रियां बर्बाद कर सकती है। अगला श्लोक हमारा भी मेन पॉइंट बाकी कि इंद्रियों का वश में करें तो करें कैसे। हमने ये जाना कि इंद्रियों को वश में करना कितना ज्यादा जरूरी है। हम बात करते हैं कैसे वश में करेंगे। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते। बहुत ही कमाल का श्लोक है, और पूरी गीता में से सिर्फ ये एक श्लोक काफी है आप सब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। तो अर्जुन ने कहा कि जिस तरह आपने कहा कि पवन नाव के मार्ग में भटका देती है, तो पवन को रोकना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से इंद्रियां भी बहुत मुश्किल है इंद्रियों को कंट्रोल करना। श्री कृष्ण कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इंद्रियों को वश में करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है। दो तलवार है जिसके थ्रू आप अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हो। पहली तलवार अभ्यास की तलवार, मन को किसी एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे फिर पकड़ करके लाओ, उसको फिर काम पे लगा दो, वो वहां से उठ करके फिर भागेगा। हमारा मन उसको वहां से उठाकर फिर लगाओ, वैसा बार बार करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, बार बार अभ्यास करने से मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पहली तलवार है अभ्यास की तलवार, मन जब जब भटके उसको तुरंत फिर से वहीं पर ले आओ, भटकेगा फिर ले आओ, भटकेगा फिर ले आओ, बार बार ऐसा करोगे मन कंट्रोल में आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। पहली तलवार ये थी अभ्यास। अर्जुन ने पूछा कि जब पहले ही तलवार से काम चल गया, इंद्रिया कंट्रोल में हो गई अभ्यास से ही, तो दूसरी तलवार की जरूरत क्या है। मन को कंट्रोल में कर लिया, इधर उधर लेके वापस, उसके बावजूद ही मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, फिर से भटकता रहेगा, फिर भटक सकता है मन, मन फिर काबू से बाहर जा सकता है। उसके लिए हमें चाहिए होगी दूसरी तलवार, और वो है वैराग्य। दूसरी तलवार का नाम है वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है उन कर्मों से खुद को दूर कर लेना जिनमें फालतू जो लोग होते हैं नॉर्मल वो करने में बिजी रहते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य टाइम पास करना, जिसमें मजा आता है वो काम करना, उन कामों से खुद को दूर कर लेना, और ये समझ लेना कि इन कामों में कुछ भी नहीं रखा है। हम सालों से सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, जब मिलता है तब कुछ भी नहीं मिलता है, ये समझ लेना अभी से। इसको हम कहते हैं वैराग्य रूपी तलवार को धारण करना। बार बार मन भटक सकता है, इसलिए हमें ये समझ लेना जरूरी है कि जो इंद्रियां हमें आकर्षित कर रही है, जिसको हम ये सोचते हैं कि यार ये मिल गया तो मजा आ जाएगा, ये मिल गई तो मजा आ जाएगा, ऐसा वैसा, ये सब एक मिथ्या है, झूठ है। जो इंसान इस चीज को समझ लेता है, वैराग्य रूपी तलवार उसके सामने खड़ी हो जाती है, और दुनिया की कोई इंद्री उस पर अपना असर डालना बंद कर देती है। इसलिए जरूरी है कि वैराग्य की तलवार अपने सामने रखो, ये जान लो कि आपको लगता है कि ये मिल जाएगा तो बहुत खुशी है, ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब मिथ्या है, सब झूठे। जिस भी इंसान ने इस चीज को समझ लिया ना कि सब बेकार है, बस वैराग्य की तलवार सामने खड़ी हो जाएगी, और वो अपने मन को भटकने से रोक लेगा, बुद्धि को भटकने से रोक लेगा, और फाइनली अपने जीवन का सर्वनाश होने से बच जाएगा। इस तरीके से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं।